चुनावी राजनीति में किसे मिलेगा जीत का स्वाद, इस बात की पड़ताल हमने वहाँ की जहाँ चटखारे लेकर लोग कोटा की कचौरी कोटा की जो कचौरी होती है उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर इसका जायका लेने के लिए। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं। अच्छी बनी है? हाँ बहुत। हम कोटा जिले के रहने वाले सुल्तान। हाँ जब भी कोटा में आना होता है ना तो हर बार यहाँ पर आते हैं। इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, राजनीति में किसका स्वाद बढ़िया दिखाई दे रहा है? पॉलिटिक्स में? राजनीति में तो पता नहीं। कौन सी पार्टी अच्छी है? बीजेपी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ का? यहाँ का मुद्दा तो क्या है, लेकिन पार्टी बीजेपी अच्छी है। जरा कचौरी जो लोग बनाते हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या डालते हैं आप कचौरी के अंदर? इसमें हींग डालते हैं मैडम और दाल का मसाला होता है। अच्छा। और चटनी कौन सी होती है? एक में खट्टी होती है, एक मीठी चटनी होती है गुड़ के साथ में। हाँ बहुत भीड़ होती है मैडम, पांच पांच जच्चे आदमी लगते हैं तब जाके कंट्रोल हो पाता है। अच्छा, हाँ लगभग मैडम मिनिमम 10,000 के आसपास। 10,000 कचौरी एक दिन में? हाँ पर डे। सुबह से लेकर रात तक ऐसी? सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। मजा आता है खाने? नहीं बूंदी से। बूंदी से यहाँ पर ये कचौरी आप तैयार करते हैं? चलिए हम कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जायका तो जारी रहेगा। आप स्टूडेंट हो? यस मैम। क्या करते हो? मैम मैं एलएन में पढ़ाई करता हूँ। तो बाहर से आए हो? हाँ छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से पढ़ाई करने के जी। तो क्या कोटा में पढ़ाई का दबाव इतना ज्यादा होता है कि यहाँ से सुसाइड की खबरें आती हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, टीचर के हिसाब से कोई नहीं होता है। टीचर के हिसाब से नहीं होता है? टीचर की तरफ से कुछ नहीं होता है? ना ना टीचर की तरफ से कुछ नहीं होता है। तो कहाँ से इस तरह की खबरें क्यों आती हैं? जो भी है मैम वो घर तरफ से, जैसे बच्चों के घर तरफ से ही होता है, मतलब बच्चों के घर से प्रेशर रहता है, दबाव रहता है। हाँ टीचर के यहाँ से कुछ नहीं रहता है। कुछ और लोग हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपके साथ ही है। यहीं से हैं? यस सर। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कोटा का? मैम सुसाइड केस ही है ज्यादातर यहाँ पे। कैसे कम हो सकते हैं? मैम इसके लिए तो ज्यादातर बच्चों पे कुछ घर वालों का दबाव, कुछ लव अफेयर में पड़ जाते हैं यहाँ पे आगे बच्चे, कुछ मैम स्टडी का भी दबाव होता है यहाँ पे। कोचिंग सेंटर्स में जो हर महीने एक टेस्ट होता है उसके लेवल्स के हिसाब से बच्चों को अलग अलग क्लासेस दी जाती है, तो उससे बच्चा काफी डिप्रेशन में आ जाता है, इस वजह से वो सुसाइड जैसे कदम उठाता है। कुछ और लोग हों अगर हम उनसे बातचीत करें। आप यहीं के रहने वाले हैं सर? कोटा के रहने वाले हैं। कचौड़ी की दुकान पर आप जायका लेने आए हैं? कैसे? जी जायका नमकीन वगैरह सब लेने हैं। अच्छा ठीक है। आपके शहर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा मतलब विकास, विकास वगैरह का ही है। तो मंत्री जी ने विकास करवाया है? हाँ, तो लौटेंगे चुनाव में या लग रहा है कि बदल जाएगी सब? देखो तो वोटर्स के वोट काम आएंगे जैसा ही होगा। आप लोगों की पसंद क्या है? हम दोनों ही पसंद है, हमें तो बीजेपी होगा। हाँ क्या करें, डिप्लोमेटिक आंसर है सर। लेकिन मंत्री जी ने विकास किया है जी, और बीजेपी ने वो भी करेगी, जब आएगी तो करेगी, नहीं तो मंत्री जी आएंगे तो वो करेंगे। कुछ लोग बड़े चालू वोटर होते हैं, तो हमारे साथ जो सर खड़े हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं। फिलहाल हम चलते हैं दूसरे लोगों के पास। आप लोग कोटा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मैडम अभी इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी, मिनिमम है जो पहले थी वो चल रही थी जो बंद हो गई। यहाँ मेन रोजगार वाला इशू है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है यहाँ। यहाँ की पब्लिक में अभी एक कोचिंग की वजह से जरूर एक रोजगार मिला हुआ है, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ वगैरह, क्योंकि पानी का सोर्स है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, कनेक्टिविटी वगैरह हर तरीके से अच्छी है, एक एयरपोर्ट का वाला काम भी चल रहा है, लेकिन अगर इंडस्ट्री वगैरह अगर आने लग जाए तो यहाँ का आदमी बाहर नहीं जाएगा। मंत्री जी रहेंगे सत्ता में या लग रहा है कि चले जाएंगे? मैडम मंत्री जी तो ओवरऑल गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा, अगर कांग्रेस आती है तो रहेंगे। कोटा से तो अभी उनको टिकट मिल ही गया है, तो डेफिनेटली वो आना है, आने हैं जी। हाँ काम किया है, हाँ कोटा के डेवलपमेंट में काफी योगदान है उनका जी।